subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Good morning. Welcome to Hungry Spirits channel. स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Hungry Spirits में. तो दोस्तों पेश है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है घर घर बिग बॉस. घर घर बिग बॉस. चलिए नवीन जी शुरू करते हैं घर घर बिग बॉस का आज का सिलसिला और शुरुआत करते हैं एक ऐसे ऑडियो से जिसको सुनकर सारे लोग हिल जाएंगे और इस ऐसा भी सोचेंगे कि आखिर किया तो किया क्यों ये ऑडियो शामिल. सुनिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि शो से प्लीज उसको बाहर निकालो. बहुत अच्छा होगा वो बाहर जाएगा तो. सुबह से शाम तक बस वो झगड़े के अंदर ही बैठा रहता है, झगड़ा करता रहता है सबसे. तो प्लीज वो शो को बाहर जाने के लायक है, वो शो में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं है. सिद्धार्थ शुक्ला पार, सिद्धार्थ शुक्ला और माहेरा, ये तीनों शो के लायक के बिल्कुल भी नहीं है. और जो लायक के है वो सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं. और रश्मि को फिनाले तक जाना चाहिए और इसको अरहान को भी, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है. प्लीज उसको बाहर का रास्ता दिखा दो. फेडअप हो जाते हैं, बहुत अपसेट हो जाते हैं जब ये देखते हैं ना टीवी खोल के सिद्धार्थ का गटर जैसा मुंह, सड़ेला झगड़ा. कंटाला आता है सिद्धार्थ से, बहुत कंटाला आ गया सिद्धार्थ को सुन सुन के. अब नहीं अच्छा लगता है क्योंकि वो झगड़े की सेवा वो आदमी दूसरा कुछ कर नहीं सकता है. तो प्लीज उसको बाहर का रास्ता दिखा दो. नाम नहीं बताया. मैं तो यही कहूंगा कि भास्कर बगली शो बंद कराएगी क्या. इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते. मैंने इसलिए भी शामिल किया है कि ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं हम नहीं शामिल करते. आप भेजोगे तो हम शामिल करेंगे. बाकी राय अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी. जी हाँ. तो आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच आपने हमारे चैनल पे अपना ऑडियो भेजा. अगली बार भेजेंगे तो नाम जरूर बताइए प्लीज, है ना. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. हमें आगे ऑडियो सुनना है नवीन जी, असगर अली का. जी सुनाइए. और जो लोग आंख बंद करके सो देखते हैं मुझे उनसे कुछ कहना है. कहना ये है बर्दाश्त की भी एक हद होती है, हर चीज का एक लिमिट होता है. जब क्रॉस हो जाता है तो आदमी फूट जाता है. ठीक है, सीड इंसान ही है, कोई भगवान नहीं है. जो लोग बोलता है उसको पेशेंस रखना चाहिए, उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, अरे यार जिस दिन से घर में घुसा उस दिन से क्या देख रहे हैं, बस वही तो हो रहा है उसके साथ. भाई गेम खेलने आए हैं लोग, क्या क्या नहीं बोला गया उसको रश्मि के द्वारा. उसको साला बोलता है, बात बात में उसको क्या बोलते हैं, उसको मौसी, विशाल, अबे साला, अबे साला. उधर रश्मि अबे साला बोलता है. कुत्ता, कमीना, नीच, घटिया, गंदा, कीड़ा, ये वो, गटर, नशा करता है, गटर है, कीड़ा है, नीच है, घटिया है, गंदा है, साला है, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है. शुरू नया बात नहीं, मर जाएगा तो पानी नहीं देंगे, ये है शरीफ फेक इंसान. और क्या बोलती है कि सो से ऊपर हो तो क्यों आए हो सो पे, सो ही नहीं आप तो नहीं बोलेंगे. रश्मि अफसोस इस बात का है, कितने दिन से आइडियल मान के बैठे थे. शो से ऊपर हो तो क्यों आए शो में, शो क्या, मुझे तो लगता तुम सलमान से भी बड़ा स्टार हो. कुछ नहीं हो, जीरो हो तुम, दिमाग नाम का चीज ही नहीं तुम लोगों के पास. और ये लोंडा आसिम, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहले सब में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है. मैंने एक लाइव वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि यार ये सेलिब्रिटीज हैं, ये इनको जनता देखती है और पसंद करती है. और इन्होंने एक एक वर्ड नोट किया हुआ है. क्या रश्मि ने सिद्धार्थ शुक्ला को बोला कि उसके एक डायलॉग के बाद ऐसी है के बाद रश्मि सैन ने कितने सारे डायलॉग बोले, कितने सारे वर्ड्स यूज किए. और फिर इन्होंने ये भी कहा कि ये शरीफ लोग हैं. तो बहुत बढ़िया आपने असगर अली साहब अपने नोटिस किया है.
तो थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे और इतने एप्रोप्रिएट ऑडियो के लिए। आगे बढ़े जी। इतना सन्नाटा क्यों आज नवीन जी? नहीं नहीं, मैं ये करके सुनके मुझे याद आ गया कि यार क्या क्या बोला था। सही बात है कि क्या क्या बोला, और उसके बाद भी लोगों को, बहुत सारे कुछ लोगों को समझ में नहीं आती ये चीजें, और वो स्टिल वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये मतलब कैसे कैसे कोई बंदा ये सब चीजों के बाद बावजूद भी उनको पसंद कर सकता है। मैं बिल्कुल सही बात है, और इससे पहले भी जो ऑडियो था जिसमें उन्होंने शुक्ला जी के लिए बोला था कि शुक्ला जी को शो से बाहर निकाल दो, तो मुझे सच्ची हैरानी होती है। पसंद तो चलो अपनी अपनी है, बट मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो सीरियल देखना पसंद करते हैं उनके लिए बिग बॉस का शो है भी नहीं। रश्मि देसाई तो मतलब आप सोच के देखो, मेरे मुझे अब तक वो डायलॉग नहीं भूलता उसका। हाँ। जो उसने बोला था कि ये मरता भी होगा तो पानी रख के चली जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने भी नोटिस किया उस डायलॉग को, मतलब और रेहान का तेजाब वाला डायलॉग जो था ये तो मतलब उस बंदे को तो इमीडिएटली बिग बॉस के घर से आउट करना चाहिए। तो मतलब ये सारी चीजें हैं जो लोग नोट करते हैं, इसलिए इस बात पे थोड़ा सा हम ज्यादा बोले हैं पहले से, तो इसीलिए नवीन जी के अंदर से थोड़ा बात निकालनी भी थी, क्योंकि थोड़े सुन्न से लग रहे हैं मुझे कि थोड़ा सन्नाटे भी आ गए हैं। तो अभी नवीन जी आपको मैं सुनाती हूँ एक ऑडियो जो मतलब रुपिंदर जी का है पटियाला से। वाह वाह, मेरे होम टाउन, मतलब हमारे 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 होम टाउन, हमारे होम टाउन से सुनिए। हेलो मैम एंड सर, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सिद एंड सना। बेसिकली एक तो सना है जो वो सारे चाहते हैं, सब चाहते हैं कि सना का दिमाग ठीक हो जाए, वो पारस से बात ना करे। जैसे पारस उसकी इंसल्ट करता है वो उसे उसकी औकात दिखाए, उसके पास जाना तो बहुत दूर की बात है, उस पर थूकना भी पसंद ना करे। और दूसरा है कि लोग बोलते हैं कि सिद्ध और सना दोनों एक हैं, और सिद्ध सना की बहुत केयर करता है, और सना है जो सिद्ध को यूज कर रही है। तो सना जो है वो स्टार्टिंग से ही उसने सिद्ध के साथ थी, वो तब उसकी प्रायोरिटी सिद्ध की आरती थी, फिर आरती जब हटी तो सिद्ध की प्रायोरिटी आसिम बन गया। अब जब दोनों ने उसको डिच कर दिया तब उसको सना की केयर है, और वो कहता है कि सना उसको हर्ट करती है, पर कभी भी किसी भी लड़ाई में, किसी भी टास्क में, किसी भी कैप्टनसी में सिद्ध ने सना को सपोर्ट नहीं किया। ऑलवेज सना ने अब तक जितना भी खेला है अपने दम पे खेला है, और वो ये बात कितनी बार बोलती भी रही है कि मैं किसी को बोल नहीं सकती कि आप मेरे लिए मतलब खेलो, क्योंकि बाद में अगला कहेगा कि मैं तेरे लिए ये किया वो किया। तो उस हिसाब से सिद्ध, हाँ ठीक है, सिद्ध सना से प्यार करता है, वो उसके साथ बात करता है, उसको समझाता है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये है वो है, बट जब सना को जरूरत होती है तब सिद्ध वहां पे नहीं होता, बट जब सिद्ध की लड़ाई होती है तब सना उसके साथ होती है, उसको रोकती है, उसके लिए लड़ती है, उसके लिए सब कुछ करती है। तो जितना सिद्ध करता है उतना सना उससे ज्यादा दे देती है उसको, बट जब कभी लड़ाई की या किसी और चीज की बात होती है तब सिद्ध सना का साथ नहीं देता। माना कि वो फ्लिपर है, चलो लोग मानते हैं कि वो फ्लिपर है, बट अगर सिद्ध उसका ट्रू फ्रेंड है तो चाहे वो उसकी कोई बेइज्जती कर रहा है तो सिद्ध कैसे बीच में खड़ के आराम से वो सारी बातें सुन सकता है। जब सना उसके लिए स्टैंड ले सकती है तो वो भी तो सना के लिए स्टैंड ले सकता है ना। अब कल की लड़ाई में जब माहिरा उसको इतना सुना रही थी तब बीच में आके वो खड़ा था, आराम से सुन रहा है कि सना को हर्ट हो रहा है, सना को बातें सुनाई जा रही हैं, पर उसने बीच में कुछ नहीं बोला। जबकि जब उसकी लड़ाई थी तो पारस और माहिरा वो साइड पे थे, उसका कोई लेना उसके साथ नहीं आए, उसको रोका नहीं, उसको कुछ नहीं किया। तब वही सना जो फ्लिप मारती है, जो सिद्ध को यूज कर रही है, वही उसको आके रोकती है। हालांकि वैसे उसने कभी भी सिद्ध को यूज नहीं किया और सिद्ध ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे ये लगे कि हाँ वो सना के लिए यूज होता रहा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि सना इतनी वो है, इतनी गेमर है, इतना सोच सोच के करती है, अगर वो ये सोच सोच के करती तो वो तो सिद्ध के साथ अच्छी बन के रहती, वो तो सिद्ध को यूज करती, बट उसके तो जो मन में आता है वो बोल देती है, उसकी वजह से तो उसकी सिद्ध के साथ कितनी बार लड़ाई हो जाती है। तो वो ये सोच नहीं रही है कि मुझे सिद्ध को बना के रखना है अपने साथ या सिद्ध का यूज करना है। अगर वो अपना दिमाग यूज करे, गेम में लगाए और प्लान करके चले तो फिर तो वो सिद्ध से बना के रखे, वो तो अपना दिमाग यूज ही नहीं कर रही, वो तो बस जो दिल में आया वो बोल देती है। तभी वो इन सबको, सिद्धार्थ को, माहिरा और
पारस से दूर करना चाहती है, बिकॉज उसको दिख रहा है कि वो जो सिद्धार्थ है अभी वो सोच रहा है कि माहिरा और पारस पता नहीं मेरे कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं, मेरी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, बट वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का सिर्फ और सिर्फ फायदा ही उठा रहे हैं। वो सिद्धार्थ के साथ लॉयल नहीं है, वो उसकी पीठ पीछे उसके टॉपिक्स में नहीं आते क्योंकि वो उसका साथ नहीं देते, वो बस उतना रखते हैं उसको जितना उन दोनों के लिए फायदेमंद है बस। तो मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप सना को रॉन्ग मत समझो। जैसे कहते हैं ना कि सिद्ध बोलता है कि वो मुझे हर्ट करती है, तो जरूरी नहीं है कि अगर सना बोलती नहीं है तो उसको वो हर्ट नहीं होता। हर बंदा चाहता है कि उसकी सपोर्ट में कोई खड़ा हो, उसको कोई पीछे से वो करे, उसका कोई साथ दे, पर जब वो नहीं करता तो वो नहीं बोल पाती। अगर वो नहीं बोल पाती तो तभी सब लोग समझते हैं कि पता नहीं वो फ्लिपर है या ये है वो है, तो सब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप सना के बारे में ऐसा गलत मत सोचिए प्लीज। या बिल्कुल सही, ये सना के बहुत सारे फैंस जो है ये बात करते हैं। हाँ। और बहुत पॉइंट आपके बहुत वाजिब है, सही है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने सब चीजें नोट की है। थैंक यू सो मच। और हमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। रुपिंदर जी आपका ऑडियो बहुत अच्छा है, आप फिर से भेजिएगा और वीडियो का वेट रहेगा। थैंक यू। चलिए नवीन जी आगे एक और नए फैन का आपको ऑडियो सुनाती हूँ। जी सुनाइए। हेलो सर, हेलो मैडम, मैं भोपाल से बोल रही हूँ, मेरा नाम रूपम है। मैं सिद्धार्थ, सना, माहिरा, पारस के बारे में बात करना चाह रही हूँ। यहाँ पर सिद्धार्थ ने सना का एकदम से ही साथ छोड़ दिया है, उसकी फीलिंग को, सारी चीजों को वो इग्नोर करने लगा है। सना को बहुत ज्यादा हर्ट भी हो रहा है, पर फिर भी वो सना बार 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 सिद्धार्थ के पास जाती है उसे मनाने के लिए। उसे भी हर्ट होता है, उसका भी दिल दुखता है, पर सिद्धार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो उसकी फीलिंग समझेगा, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और सना ही उसको हमेशा सपोर्ट करती है। जब भी झगड़ा होता है वो हमेशा उसकी ढाल बनकर सामने खड़ी रहती है, उसके लिए स्टैंड लेती है, हर चीज सना उसके लिए करती है, पर सिद्धार्थ उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करता। और बात करते हैं माहिरा और पारस की, पारस और माहिरा का गेम सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ और सना है। उन्होंने दोनों ने मिलकर सना और सिद्धार्थ को अलग करने की प्लानिंग की है और वो कामयाब भी होते जा रहे हैं। उनका सबसे पहले मुद्दा ये था कि आसिम को कैसे भी करके सिद्धार्थ से दूर किया जाए। आसिम और सिद्धार्थ का जैसे ही झगड़ा हुआ वैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ के पास एंट्री कर ली, और जैसे ही सिद्धार्थ के पास एंट्री हुई है वो लोग उनके साथ सना की वजह से ही थे। अब उन्होंने सना को अलग कर दिया है और वो तीनों वहां पर रहना चाहते हैं, सिद्धार्थ, पारस और माहिरा। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम सिद्धार्थ का सपोर्ट कर रहे हैं, पर बल ये सिद्धार्थ समझ ही नहीं रहा है कि वो लोग उसका यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये सिद्धार्थ को बेवकूफ बनाया, सिद्धार्थ बेवकूफ बनते जा रहा है। और तीसरी बात ये कहूंगी कि सिद्धार्थ घर का राजा है और रानी सिर्फ और सिर्फ सना है, तो इन्होंने प्लान ये किया है कि सना को राजा से दूर कर दिया जाए, रानी को पहले निकाल दिया जाए, फिर राजा को निकाल दिया जाए, और फिर रानी माहिरा बन जाए और राजा पारस, और इस बिग बॉस हाउस में दोनों राज करें। यही ये दोनों का प्लान है, और मुझे इस प्लान को देखकर इनका गेम पूरा समझ में आ रहा है। मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है जब सिद्धार्थ सना से दूर हो रहा है और माहिरा के पास जा रहा है, और फिर भी सना बार 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 उसको मनाने की कोशिश करती है, फिर भी वो मानता नहीं है। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल सिद्धार्थ और जब पारस का झगड़ा होगा तब अपने आप ही उन दोनों की असलियत सामने आ जाएगी, पारस और माहिरा की। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज मेरा ये ऑडियो आप लोग जरूर शामिल करें। मैंने पहली बार बनाया है और सोच सोच के बनाया है कि शायद आप लोग मेरा शामिल करेंगे या नहीं। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं पहले से आप लोगों को काफी पहले से फॉलो कर रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि इस बार प्लीज आप लोग मेरा ऑडियो को शामिल करें। मैं आप लोगों की बहुत बड़ी फैन भी हूँ, मैं आपके पूरे एपिसोड देखती हूँ, और हर किसी को चांस मिलना चाहिए, मुझे भी एक चांस दीजिए, अच्छा लगे तो शामिल कीजिए। थैंक यू।
ये तो है बिल्कुल, ये जो सिद्धनाथ के फैंस हैं ये बिल्कुल सही बात ये करते हैं कि सिद्ध राजा है तो रानी सना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत बढ़िया बात है। इस रेफरेंस से भी है कि सना को कम मत समझो, कम मत समझो, ये है। इस रेफरेंस से इन्होंने बोला ये। और मैं बता दूं हाँ। कि ये रूपम है भोपाल से जिन्होंने ये ऑडियो भेजा। ओके ओके, तो ये रानी बोलने का मतलब ये नहीं कि वो कपल वाली रानी, रानी बोलने का मतलब कि अगर वो राजा है हाँ हाँ सर तो बिल्कुल, इसके पास भी पावर कम नहीं और है। रानी शतरंज में तो रानी की पावर्स बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। तो थैंक यू रूपम हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए ऑडियो के जरिए, क्योंकि आप डेफिनेटली पहले से हैं हमारे चैनल के साथ, तो धन्यवाद बहुत बहुत। तो आगे हम सुनते हैं नवीन जी रूबी का ऑडियो जो की मुंबई से जी। हेलो सर, मेरा नाम रूबी है और मैं मुंबई से हूँ। कल शो में देखा होगा कि रश्मि की टीम, आसिम रश्मि की टीम बाहर प्लान बोल रहे थे, बात कर रहे थे एक दूसरे से कि ये विकास को बोलो, आसिम बोल रहा था कि विकास को बोलो कि फालतू में बीच में ना आए, अच्छा खासा हम लोग को मिल रहा है 6 घंटे के लिए और हम लोग को मुद्दा बनाने के लिए मिल रहा है, ये बीच में आ रहा है, ख़राब कर रहा है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलना थी, मैं इसके चक्कर में भूल जा रहा हूँ, ऐसा है ब्ला ब्ला ब्ला। ये आसिम और रश्मि भी हाँ बोल रही थी, हाँ विकास फालतू में आ रहा है ये वो, ये लोग पहले से प्लानिंग कर रहे थे स्टार्ट से। जब आसिम को टास्क दिया गया है ना, तो रश्मि ने अंदर पहले ही बोल दिया था कि एक्सपोज करना है इसमें, इस टास्क में एक्सपोज करना है। तो किसको एक्सपोज करना है? सिद्धार्थ को। इसने रश्मि की स्टार्ट से ये चाल रही है, पारस के टाइम जब थी ना उसके साथ, पारस के साथ तब भी ये पारस को बार बार बोलती थी कि ये सिद्धार्थ को तो एक्सपोज करना है, सिद्धार्थ को कैसे भी करके एक्सपोज करना है, फ्रंट पे लाना है सिद्धार्थ को। और अभी भी इसका जब पारस चला गया, अभी ये आसिम के साथ है तो भी ये यही कर रही है। और उसने सिर्फ ऐसी लड़की बोला, ऐसी लड़की, ऐसी लड़की, इसने इतना मुद्दा बनाया, ऐसी लड़की मतलब कैसी लड़की, उसने क्या रश्मि जैसी बोल रहा है, रश्मि की जैसी ऐसी लड़की, उसको गटर बोल रही है, उसको घटिया बोल रही है, उसको नामर्द बोल रही है, उसको हिजड़ा बोल रही है, उसकी माँ बहनों को गालियां दे रही है, उसको नशेड़ी बोल रही है, उसको मतलब चाय फेंक के मारी, जूता फेंक के मारी, मतलब क्या, मतलब कौन सा कार्ड खेल रही है भाई? वो मेन कार्ड भी खेला है, बहुत से सीजन में खेला, ये कौन सा वाला कार्ड खेल रही है समझ में नहीं आ रहा है। इसको तो रश्मि को एक्सपोज करना बहुत 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 जरूरी, अपनी बातें खुद उगलवाना चाह रही है सिद्धार्थ से। वो बोलेगा ना बंदा फिर कहाँ तक सुनेगा, वो बोलेगा हाँ मैंने घर से बाहर निकाल दिया, इसमें उसकी कहाँ पर गलती है? हाँ ये बिल्कुल अंजू, ये बात तो मैंने हमने बिल्कुल किया है, मैं देख के सुन के वो तभी मुझे बड़ी हैरानी हुई जब आसिम रियाज कहते हैं इतना बेवकूफ है कि कहने की क्या जरूरत है कैमराज के सामने, तुम कह रहे हो तो यार ये गलतियां कर चुके हैं है ना, और सरेआम आप प्लानिंग करके ये सब करते हो, इसका मतलब है आपका जो गुस्सा, आपकी लड़ाई, आपका सब ड्रामा नकली है, फेक है। बिल्कुल सही है, शांत गदाधरी भी ये एक्चुअली चीज बहुत चुभी है। हाँ, बिल्कुल है, सब काफी लोगों ने इस बात को लेके किया है कि ये मैंने भी अपने इसमें रिव्यू में किया था कि उसने पहले भी ये चीज बोली थी कि लंबे लोग आ गए अब लड़ूंगा कैसे, तो उसका वन एंड ओनली टारगेट आसिम का लड़ना ही है। और हान के बारे में बोला था, मुझे याद है, मुझे भी याद है। तो आज जो हरान उसका खास लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार है। तो अभी ये सब चीजें सब लोग नोटिस कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कौन कितने पानी में है और कैसे कौन कैसे खेल रहा है। जी बिल्कुल, तो ये थे नवीन जी आज के ऑडियो और वीडियो। तो आपने देखे, हमने दिखाए, या आपने भेजे हमने दिखाए, जैसे भी है, बट आज के एपिसोड में ये थे और हमें बहुत अच्छा लगा कि नए नए लोग हमारे से जुड़ रहे हैं। तो और लोग जुड़े उसके लिए हम अपना नंबर फिर से शेयर करते हैं और वो है 7700290038। इस नंबर पे आपको अपने ऑडियो और वीडियो भेजने हैं, जल्दी से भेजिए और बनिए हिस्सा शो का जिसका नाम है घर घर बिग बॉस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।